धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सरकार के खेल विधेयक के प्रारूप को वापस लेने पर जयराम सरकार का आभार जताया। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में क्रिकेट सहित अन्य खेलों के प्रोत्साहन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते खेल प्रतिभाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को खेल विधेयक या एक्ट लाने की बजाय ठोस खेल नीति बनाने का प्रयास करना चाहिए। खेल संघों पर कब्जा जमाने वाले लोगों को नहीं, बल्कि खेल से जुड़े तथा खेलों को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को खेल संघों का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठोस कोड ऑफ कंडक्ट सभी खेलों के लिए लागू हो, खिलाड़ियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। संजय शर्मा ने धर्मशाला में आईपीएल मैचों के नहीं होने के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संजय शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार ने फ्रेंचाइजी के मन में कई तरह के डर बिठा दिए थे। मनोरंजन टैक्स, सुरक्षा खर्च के नाम पर कई तरह के विवाद भी खड़े किए, जिनके चलते आईपीएल टीमें यहां खेलने से कतराती रहीं। संजय शर्मा ने कहा कि एचपीसीए को जयराम सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि वे जल्द ही सारी स्थिति को देखते हुए धर्मशाला में भी आईपीएल के मैच करवाने का प्रयास करेगी। संजय ने कहा कि आईपीएल मैचों से धर्मशाला में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलता है। शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी सरकार के समय तत्कालीन मंत्रियों व विधायकों के सहयोग से खेल विधेयक लाकर एचपीसीए पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था, जो कि खेलों और खिलाड़ियों को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह तथा वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत का भी आभार जताया, जिन्होंने इस खेल विधेयक को अनुमोदित नहीं किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पूर्व सरकार द्वारा पारित खेल विधेयक, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य खेल संघों के ऊपर कब्जा बनाने के लिए पूर्व सरकार लेकर के आई थी, उस बिल को जो है वो कल सरकार ने जो है वो वापस लिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश सरकार में हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का व हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने खेल और खिलाड़ियों का दोनों का दमन होने से प्रदेश के अंदर बचाया है। और पूर्व सरकार ने केवल और केवल ये जो विधेयक था इसका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर कब्जा जमाने के लिए इसको लाए थे, उसके लिए सरकार ने गंभीरता के साथ विचार करके वापस लिया है। इससे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अन्य खेल संघ व खिलाड़ी प्रदेश के जो है वो उनका आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि कोई ऐसी ठोस खेल नीति लाई जाए जिससे हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी जो है वो अपना अच्छा जो है वो इस प्रदेश को दे सके और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रदेश का नाम जो है वो चमका सके। सर, आईपीएल ना होने के धर्मशाला में क्या कारण रहे हैं? आईपीएल नहीं होना यहाँ पे पूर्व सरकार द्वारा जो है वो एक वो भी षड्यंत्र था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो टूरिज्म को नष्ट किया जाए, क्योंकि वो मैच एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होते थे, इसलिए एचपीसीए जो है वो उसको पॉपुलैरिटी ना मिले, अनुराग ठाकुर को पॉपुलैरिटी ना मिले। इसके लिए तरह तरह के जो है वो टैक्सेस और सुरक्षा के खर्च जो है वो इस तरह के बढ़ा के चढ़ा करके पेश किए कि कोई भी फ्रेंचाइजी अब प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं आना चाहता आईपीएल करवाने के लिए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बार पुनः इस नीति के ऊपर विचार किया जाएगा और आईपीएल और अन्य खेल जो है वो अन्य मैचेस भी यहाँ पे जो है वो प्रदेश में करवाए जा सकेंगे। सर, आपने कहा कि आईपीएल मैच ना करवाने के पीछे पूर्व सरकार का हाथ रहा है, तो मेरा सवाल ये कि क्या एचपीसीए ने जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें पूर्ण किया है कि नहीं किया है? कहीं ना कहीं वो कमी तो नहीं रही है? लोढ़ा कमेटी और आईपीएल मैचेस का होना जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो है ये कोई कारण वो नहीं है, केवल यही है कि एक बार जो फ्रेंचाइजी बाहर चले जाते हैं उनको वहां के रेवेन्यू और उनके खर्चे जो है वो यहां से कम बैठते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सरकार ने जो है उस समय की सरकार ने घोषणा कर दी कि हम जो है वो आईपीएल अगर यहां पे होंगे तो सुरक्षा जो है सुरक्षा का पूरा खर्च जो है वो जो भी टीम यहां पे मैच करवाएगी उनसे लिया जाएगा, और वो खर्च इतना अधिक है कि पूरे देश के अंदर उतना सुरक्षा खर्च जो है वो कहीं नहीं लिया जाता जितना हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो किया जाता है। हालांकि दूसरे प्रदेशों को आईपीएल होने का कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन और यहाँ की इकोनॉमी दोनों को बूस्ट जो है वो आईपीएल और अन्य होने वाले खेल जो है वो यहाँ पे करते हैं। सर, ये तो रहा था मुद्दा।